अगर पूनम, अचार बनाने का एक तरीका होता है जो हर किसी की बस की बात नहीं होती, समझे? आम को सुखाना, उसके बाद डब्बे में डाल के तेल डाल के वो दबा के रखना, यही चीज तो स्वाद पता देती है, समझी? अरे वाह मामी, इतनी डीप नॉलेज, मतलब आप तो कमाल हो। लेकिन देखिए ना, मैं भी ना जल्दी सीख लूंगी, और अगली बार जब मैं आऊंगी ना तो खुद अपने हाथों से आपके लिए अचार बना के खिलाऊंगी। अरे वाह, आप खाने में क्या बना रहे हो आज? खाने में अगर तुला कोफ्ते आवडतात ना, हाँ आज मैं खाने में कोफ्ता ही बनाऊंगी। तू जल्दी से जाके नहा ले, तब तक मैं सारा काम निपटाती हूँ। नहीं नहीं, अगर मैं नहाने के लिए चली गई तो मैं कैसे सीखूंगी कोफ्ते बनाना? हको, इतनी मेहनत करेगी तो थक जाएगी, और तेरे बाबा बोलेंगे मेरी बेटी से काम करवाते है क्या। जा जल्दी से नहा ले जा। मैं यू गई और यू आई। हाँ मामी, आपने इतनी जल्दी सारा काम खत्म कर लिया। अगर नेहा, ये बग मजी भाची पूनम आज ही औरंगाबाद से आई है। अगर इसके तो दो ही शौक है, एक पढ़ना और अच्छा अच्छा खाना बनाना। भर जरा तू आलिस से, अब तुम्हारी कंपनी इसको अच्छी लगेगी। तो एक काम करना, तो इसको कहीं आसपास घुमा के लेके आ, नहीं तो ना इसको मार्केट में लेके जा, कुछ चीज पसंद आई तो खरीद लेगी ये। ठीक है। पता है ये ना, यहाँ का एक बहुत ही फेमस गार्डन हुआ करता था, और इसका नाम था मकरंद गार्डन। पर ठीक से देखभाल ना होने के कारण ना ये गार्डन कम और जंगल ज़्यादा लगने लगा। हम लोग आते थे यहाँ पर बचपन में, पर अब नहीं आते। क्यों, अब क्यों नहीं आते? बस ऐसे। अरे बताओ ना। दरअसल जो माली इस गार्डन की देखभाल करता था ना, उसकी अचानक से किसी तरह से मौत हो गई। सब कहते हैं कि यहाँ पर नहीं आना चाहिए, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। तुम इन सब में विश्वास करती हो? ऐसा कुछ नहीं होता। देख, बचपन से सुना है तो यकीन तो करना पड़ेगा ना। पता है कहते हैं कि लग गया होगा। अब सुनो, ठीक है, चलते हैं। नहीं, इससे कि मेरा क्लिप कहाँ है? रुक रुक, क्लिप को छोड़ो, तुम चलो यहाँ से, उठो। अरे जल्दी। अब अच्छा सुनो, ये जंगल वाली बात ना, कि हम लोग जंगल में आए थे, ये प्लीज अपनी मामी को मत बताना, वरना वो मुझे बहुत डांटेंगी। क्यों, इसमें डांटने वाली कौन सी बात है? ये जो पेड़ है ना, कहते हैं इस पेड़ पर चुड़ैल रहती है। मैंने तुम्हें उस माली के बारे में बताया था ना? हाँ, कहते हैं उस माली को इसी चुड़ैल ने मारा था, क्योंकि वो इस पेड़ को काटना चाहता था। अच्छा ये सब छोड़ो, हम चलो यहाँ से, प्लीज। मजा आया, और तुम्हें घुमाने के चक्कर में ना मुझे भी घूमने मिल गया। मैं उस जंगल में ना पहले भी गई हूँ, पर आज मैं वहाँ पर। पूना, पूना, क्या
क्या हुआ पूनम? पूनम बेटा, पूनम बेटा क्या हुआ? पूनम क्या हुआ बेटा? ये कुछ नहीं, मुझे लगता है गर्मी की वजह से चक्कर आ गया। पूनम आओ। पूनम क्या हुआ बेटा? अरे काकी चिंता की कोई बात नहीं है, गर्मी की वजह से बेहोश हो गई होगी और कुछ। आओ पर इसे ऐसा कभी नहीं हुआ, अच्छी भली घर से निकली थी। लेकिन इसे हुआ क्या? काका पता नहीं, हम लोग तो आपस में बातें कर रहे थे और ये अचानक गिर पड़ी। पूनम पूनम बेटा क्या हुआ बेटा? पूनम मामी आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अगर तेरे पापा का फोन आएगा तो क्या बोलेंगे हम? क्यों, क्या हुआ? तुझे पता है हम कितने डर गए थे कि तुझे क्या हुआ? ये अच्छा हुआ कि आकाश तुझे उठा के यहाँ लेके आया, हम तो सब डर ही गए थे पता नहीं तुझे क्या हो गया करके। अब ये आकाश नेहा का भाई। थैंक यू सो मच हेल्प करने के लिए। गणपति बप्पा तेरे लाख लाख शुक्र है, बच्चे को कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं काकी, ये सब थकान का असर होगा, थोड़ी देर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी, डरने की कोई बात नहीं। आकाश बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुझे आराम की सख्त जरूरत है बेटा, तू आराम कर, हम लोग निकलते। ऐसा क्यों लगा कि किसी ने मेरा नाम पुकारा? रूम में तो कोई नहीं है, वहम होगा शायद। औरत ऐसी रो क्यों रही है? नहीं होगा कौन हो तुम? अरे तुम रो क्यों रही हो? बताओ ना क्या हुआ? Thank you.
बेटा तू ठीक तो है ना? तू आधी रात पेड़ के पास क्या? पता नहीं मामी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं मैं आम के पेड़ के पास कैसे पहुंच गई, मतलब मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे वाह, ये भी कोई बात हुई, इतनी रात को जवान लड़कियां बाहर थोड़ी जाती है। मामी सच में मुझे नहीं पता कि मैं कैसे पहुंची वहां पे। अब ये मत कहना कि तू नींद में चलकर गई थी वहां। तुम्हें पता है तुम्हारी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम पे। ले चाय पी ले, मैं अभी आती हूँ। वही नहीं, ये आपकी भांजी है ना, उन्हें आके घर के सामने बेहोश पड़ी थी। इकड़े, इकड़े। मैं तो बोलती हूँ तूने बिटिया की नजर उतार लो, कोई चुड़ैले आत्मा होगी ना पीछा नहीं छोड़े दे। सही में बेटा, मम्मी अब तेरी नाखून दिखा। क्या हुआ काकी? आप ही अंजुता की बात मत सुनिए, कुछ भी बोलती रहती। मत करो ना मेरे बात पे भरोसा। मैं क्या छोटी और छोटा काम करने वाली? मेरी हर बात छोटी लगेगी ना तुम लोगों को, लेकिन पछताओगे। मेरी बात नहीं मानोगे तो पछताओगे। आकाश ये ना बढ़, बस मैं अभी आई। आओ आकाश, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार किस लिए? कल ठीक से थैंक यू नहीं बोल पाई ना, इसलिए। ठीक से मतलब? ठीक से मतलब? इट्स ओके, चल चल चल। इसका मतलब मेरी खिंचाई चल रही थी। साफ साफ यही क्यों नहीं कहते कि मेरे हालचाल पूछने के लिए आए थे तुम? हाँ अच्छा एक बात बताओ, ठंडा पानी मिलेगा क्या? गर्मी बहुत बढ़ गई। हाँ बिल्कुल, मैं एक सेकंड। थैंक यू। कर रही हो? फर्श गीला हो गया है ना, खराब हो जाएगा ना, और चार घर के काम बाकी है मेरे। क्या हुआ? पैरों को उल्टा निशान। कहाँ पर? यहाँ थे, आप भी थे, मतलब मैंने देखे, लगता है सूख गए। पूनम, लगता है अंजुता यार तुमसे बहुत नाराज है, तुमने इनके फर्श को आज बार बार गंदा जो किया। एनीवेज चलो मैं तुम्हें अपनी नई बाइक दिखाता हूँ, चलो आओ। हे गणपति बप्पा, मेरी पूनम की रक्षा करना। अगर उस पर कोई बुरा साया या बुरी नजर हो तो उसे हटा देना। जय गणपति बप्पा। वही नहीं, एक बात बोलू। का ये? मुझे ना यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आपके भांजे के साथ कुछ तो गड़बड़ है। अंजू ताई तू भी ना कुछ भी बोले जा रही है, चल मुझे जाने दे। नहीं सुनो, आज ना रात को सबको खाने पे बुलाया मैंने, और पूनम ना आज खाना बनाने वाली है, तो मुझे भी तो कुछ तैयारी करनी पड़ेगी ना। मुझे तो रुकिए ना, एक बात, मेरी एक बात मान लो ना, मैं सबकी भलाई के लिए बोल रही हूँ। क्या है? मैं एक बात बोलती हूँ, देखो लींबू है ना, वो लाल कपड़े में डाल के पूनम बिटिया के सामान में रख दो, 24 घंटे में अगर लींबू काला हो जाता है तो समझो पूनम बिटिया के साथ कुछ ना कुछ मुसीबत है। ठीक है, पर मैं ये सब बात नहीं मानती। अच्छा, एक बार करने में क्या हर्ज है ना। बोर भाई ठीक है। हाँ। गणपति बापा चलो चलो।
अजय, अगर पूनम को पता चलेगा तो वो क्या कहेगी? मामी कितनी अंधविश्वासी है। और तू है ना, तू भी पागल की तरह बकी जा रही है। अगर माला एक सांग नींबू का रंग बदलने से कोई भूत प्रेत का पता कर सकता है क्या? आजकल के बच्चे देखो, ना ठीक ढंग से खाते हैं, ना पीते हैं। पैदल चलने को बोलो तो बिल्कुल नहीं। जब भी देखो टीवी, इंटरनेट, टीवी, इंटरनेट। और ज्यादा से ज्यादा क्या करते? मूवी देखते हैं उल्टी सीधी। मैं सब नहीं बातें मानती, मैं बिल्कुल नहीं मानती। मुझे तो लग रहा है उस दिन उसे कमजोरी की वजह से चक्कर आई होगी। और तुझे तो हर चीज उल्टी नजर आ रही है। मुझे तो लग रहा है तू सटिया गई है। शांत रहो नवेनी, अगर कुछ बुरा होता है तो हम उपाय ढूंढ लेंगे ना। चल चल जल्दी चल, चल ना, काहे भगती है। हाँ हाँ चल। पूनम, खाना कब मिलेगा? हाँ बिना मामी, आज पहली बार सारा खाना मैंने अकेले बनाया, तो प्लीज आप सब लोग अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा कि ये खाना सच में अच्छा है कि नहीं, प्लीज। अगो भाई, तेरा ज्ञान खत्म हो तो खाना शुरू करे। बिल्कुल, और जैसा भी हो खाना अच्छा ही होगा ना। अरे यहाँ तो हम सब अपने हैं ना। वो टेंशन कर रही है, यहाँ कोई पराया नहीं है। अभी हंसेगी कि खाना सर्व करेगी। हाँ चल। कि इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही है ना, उसी की वजह से खाना बिगड़ गया। कोई बात नहीं बेटा। आओ, पर नहीं जल्दी खाना खराब कैसे हो सकता है? खाना बनने के बाद इतने जल्दी कैसे सड़ गया है? और इतनी बदबू पहले कभी नहीं आई। कोई बात नहीं पूनम, तुम टेंशन मत लो, पार्टी किसी और दिन हो जाएगी। वैसे भी हम सब तो घर वाले। कोई बात नहीं पूनम, किसी और दिन खाना बना देना। और नहीं तो क्या? बिल्कुल। सपना था। पूनम तो ठीक तो है? अगर तेरे चिल्लाने की आवाज सुनी। पूनम बेटा, हाँ
कुछ नहीं मामी, सब ठीक है, आप जाइए। देख अगर कुछ जरूरत पड़ी ना मेरी तो मुझे आवाज लगाना। हाँ बिल्कुल, सोचा अंजू की बात सही तो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। भला आपने पूनम पर चुड़ैल का साया? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो बोलती हूँ पूनम बिटिया की नजर उतार लो। हाँ कोई कोई साया ना पड़ा हो तो चुड़ैल दुष्ट आत्मा होती है ना, पीछा नहीं छोड़ती। लिंबू है ना वो लाल कपड़े में डाल के पूनम बिटिया के सामान में रख दो, 24 घंटे में आकर लिंबू काला हो जाता है, तो समझो पूनम बिटिया के साथ कुछ ना कुछ मुसीबत है। आओ अच्छा सुनिए ना काजल, काजल घबराए हुए क्यों, डरा हो, सपना देखा क्या? नहीं नींद नहीं आ रही है। पानी पियो और सो जाओ, नींद आ जाएगी। आओ सका करता है, मुझे आपसे कुछ बात कहनी थी। बात करनी है आधी रात को? इसी क्या बात है जिसकी वजह से तेरी नींद उड़ गई है, बोलो क्या बात है? वो अपनी जो है ना, अंजू कह रहे थे कि पूनम पे चुड़ैल का साया है। नहीं नहीं मैं नहीं मानती, ये मैं बिल्कुल नहीं मानती, पर का है ना कि खाने से आपने देखा ना खाने से कैसे बदबू आ रही थी। देखो ये नौकरों की बातों पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, लोग की बुद्धि यही भूत प्रेत पे सीमित रहती है और उन्हीं की वजह से ये तांत्रिकों की दुकान चलती है। ऐसा कुछ नहीं होता, तुम जितना ज्यादा सोचोगी उतना ज्यादा दिमाग खराब होगा। शांति से सोचो। दे दो।
पूनम तेरी पायल के पैर। अरे मेरी पायल कहाँ चली गई? बेड पे रख दिया होगा, एक सेकंड में लेके आती हूँ। पूनम कल रात किचन में आई थी? नहीं मामी, मैं तो अपने कमरे में ही थी। आपके सामने तो आई हूँ ना मैं यहाँ पे। खरच? हाँ मामी। तो ये क्या? ये रहा, तब मैं खाना बनाई थी ना, शायद तब गिर गया होगा। मैं अभी पहन लेती हूँ। अंजू काय झालं? बहिणी देखो ना, देखो वो नींबू काला पड़ गया क्या? देखो ना, जरूर लड़की पे साया है। देवा साये का काम है, चुड़ैल का काम है ये। देवा पूनम गई थी क्या वो जंगल में पीछे वाले? हाँ पता नहीं, जरूर वो जंगल वाले चुड़ैल का ही काम है। देवा अब तो कोई तांत्रिक हमें इस मुसीबत से बाहर निकल सकता है? वही नहीं, मेरे पहचान वाला है एक तांत्रिक, मैं आज रात को उसको बुला के लाती हूँ। आप डरो मत, नहीं सब ठीक हो जाएगा। हाँ नहीं डरो मत आप, हाँ सब ठीक हो जाएगा। पूनम बहुत बोर हो रहा है यार, कुछ कर भी नहीं सकते और इस वक्त तो नीचे भी नहीं जा सकते। तो हम घर में ही कुछ कर सकते हैं ना, हम जाके खाने बनाए किचन में। नहीं पापा मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले तो खाना खाया था। हाँ तुझे कुछ खाना है तो चलते हैं। अरे नहीं नहीं मैं तो तुम्हारे लिए सोच रही थी, अब हम क्या कर सकते हैं? Let me think. अब तुझे ताश खेलना आता है? हाँ ताश अब बहुत मजा आएगा। चल चल। नहीं यार हम तो सिर्फ दो हैं। ये बात तो सही है, देख ना आकाश भैया भी पता नहीं कहाँ चले गए, वो होते बहुत मजा आता है ना। हाँ भैया हम लोग आपके बारे में ही बात कर रहे थे, ताश खेलने का प्लान है। हाँ हाँ सब सुन लिया है मैंने, और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि आज मैं फ्री भी, तो चलो मैं भी खेलता हूँ और तुम दोनों को हराता हूँ। ओहो क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंस? ये कॉन्फिडेंस नहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस है। अच्छा तो देखते हैं, तुम्हें ही हराऊंगा आज। तुम्हारे जो दिल में मुझे हराने की ये चाह है ना, ये दिल में ही रह जाएगी। ठीक है तो आज देख लेते हैं किसमें कितना है दम। ओके 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 मैं जाके काज लेके आती हूँ, ठीक है? रुको तुम लोग। रेडी? या क्या हुआ? चलो तुम्हारी बारी है।
अब तो तू मुझसे नहीं बच सकती, अब तो तू पक्का हारेगी। तू हराएगी मुझे। कम ऑन पूनम, वो मजाक कर रही है। इट्स ओके। अब ये रहा मेरा नहले पे पहला, और ये बेगम का वर। हे भगवान, क्या हुआ मेरे बच्चे को? नेहा पुनः, कैसे हुआ ये सब? नेहा तुम तो कह रही थी बहुत खून बह रहा है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी खून नहीं है। माँ मैं बाहर गई थी तभी। क्या हुआ? मैं बैंडेज कर देती हूँ। आकाश, मैं चलती हूँ। आकाश, ये ले बेटा, और आयुष चाहिए तो ले जाना। अरे हाँ, काहे को आकाश को ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं नहीं काकी, छोटी सी चोट आई थी, पर अब भैया बिल्कुल ठीक है। बर्फ जला तू बर्फ से सेकेगी, अगर इससे बहुत फायदा होता है। अरे पर तला पर ज्यादा चोट नहीं है, ये भी अच्छा हुआ। अजीब बात तो ये है काकी कि जब भैया गिरे ना तो उनके सर से बहुत खून बह रहा था। मैं तो भाग के फर्स्ट एड बॉक्स लेने चली गई, और मम्मी और मैं जैसे ही कमरे में पहुंचे ना तो भैया के सर का खून बहना बिल्कुल बंद हो गया था। भाई ये तो अजीब बात है, खून अचानक बंद हो गया, अरे ते पर बिना स्पिरिट से। वही तो काकी, पर शुक्र है कि पूनम उस वक्त मेरे साथ थी, उसने सब कुछ संभाल लिया, सारा का सारा खून साफ कर दिया, और हम लोग जब वहां से गए ना तो वही थी भैया के साथ अकेले कमरे में। मैं तो इतना सारा खून देखकर ना बहुत घबरा गई थी, पर पूनम ने संभाल लिया। अरे नेहा, तो अब आकाश कैसा है? उसका खून फिर से तो बहना शुरू नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, अभी खून नहीं बह रहा है, और मम्मी ने हल्दी वाला दूध पिलाया था ना, उसके बाद अच्छे से सो गए। काकी, कल सुबह मेरे अजीत मामा आ गए भोपाल से, कुछ काम है उन्हें यहाँ पर, और आपको तो पता है कि वो जब आते हैं तो हम कितनी मस्ती करते हैं। अच्छा काकी, अब मैं चलती हूँ। सुन बेटा, एक बात बता। जी। उस दिन तू और पूनम वो जंगल वाले गार्डन में गए थे क्या? काकी, दरअसल हम लोग मार्केट ही जा रहे थे, पर बातों बातों में हम लोग कब उस जंगल में पहुंच गए पता ही नहीं चला, पर हम लोग तुरंत वहां से निकल भी गए थे। काकी क्या हुआ, कुछ बात है क्या? नहीं नहीं, कुछ बात नहीं है। ठीक है, कुछ काम है तो जल्दी बोल दीजिए, मम्मी मेरा वेट कर रही होंगी। हाँ हाँ, कुछ काम होगा तो बता दूंगी, अभी तू जा। जी काकी। हाँ, एक काम करते, अंजू को पूछती हूँ कि वो तांत्रिक को कब बुला सकते हैं। मुझे जल्दी जल्दी तांत्रिक बाबा के पास जाना है, उनको अंधेरा होने से पहले लेके आना है। हाँ हेलो, हाँ वही नहीं पहुंच रही हूँ, मैं अभी आश्रम जाके बाबा को लेके आती हूँ ना तुरंत। हाँ 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 हाँ, वही जा रही हूँ मैं। हाँ रखती हूँ।
कौन है? कौन है? पेड़, मैं यहां कैसे आ गई? ये अंजू कहां रह गई है? उसके हिसाब से तो उसे अभी तक तो आ जाना चाहिए था। उनका लगत नहीं है। हे देवा, विद्यालय देवनों को अंजू को मेरे पास जल्दी भेज दो। हे भगवान, अंजू को तांत्रिक के साथ मेरे पास जल्दी भेज दो। पूनम, पूनम बेटा, और है इसे हम तो बिल्कुल अच्छी थी। सुरेखा, सुरेखा उठो। कितनी बार कहा इतना काम मत करो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? सुरेखा, ये लीजिए मामू जी। पूनम बेटा, देखो ना तुम्हारी मामी को अचानक क्या हो गया? आज कोई व्रत वगैरह तो नहीं रखा था ना? नहीं, कोई व्रत नहीं रखा था, पता नहीं क्या हो गया। सुलेखा, 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 देखो मैं हूं। अगर भाई भरा जरा शुक्र हुआ कि आप मेरे पास हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र, मेरी तो जान निकल गई थी। क्या हुआ था मामी जी आपको? जब मैं बाहर गई तो देखा कि आप बेहोश पड़ी थी। बताइए ना क्या हुआ, कुछ तो बोलिए। आओ मला थोड़ा पानी दीजिए। हाँ, अरे नहीं, आपको तो ठंडा पानी चाहिए। एक सेकंड। नहीं नहीं, मुझे मुझे प्यास वैस नहीं लगी, मुझे पानी नहीं चाहिए। क्या कह रही हो तुम? अभी कह रही थी पानी चाहिए और अभी कह रही हो प्यास नहीं लगी? हाँ, तुम्हारा नहीं समझना, मुझे पानी नहीं चाहिए, बस नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए बस। ठीक है ठीक है ठीक है, मत पीना। और कुछ चाहिए तो मैं लेके आता हूँ। मला, मला खूब पीते हटते, मुझे मुझे अपने रूम में ले चलो। अरे अरे, लेके लेके चलता हूँ, थोड़ा सब्र रखो। अरे संभालो अपने आप को, संभालते क्यों नहीं अपने आप को? लेखा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। मुझे दूध नहीं चाहिए, आप मेरे पास बैठो, मेरा जी घबरा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, दूध नहीं पीना है तो कोई बात नहीं, कम से कम ठंडा पानी पी लो। नहीं, पानी नहीं चाहिए मुझे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अगर कुछ चाहिए तो मैं बोल दूंगी। आप मुझे छोड़कर मत जाइए, बस बस बेटी। सुलेखा, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को बुला लेते। नहीं नहीं रुको, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास मेरे इलाज नहीं है, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। अरे ठीक है बाबा, किसी को नहीं बुलाते, और मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूँ, तुम लेट जाओ, आराम करो, नींद आ जाएगी। हाँ, एक काम कीजिए जी, आप दरवाजा बंद कीजिए। कौन सी बात है जो दरवाजा बंद करने की जरूरत पड़ गई? अब फिर घर में है कौन, मैं, तू और पूनम? आपसे ना बात करना ही बेकार है, एक बात बोलती हो तो हजार सवाल करते हो। ठीक है बाबा, तू जीती मैं हारा, दरवाजा बंद कर देता हूँ। ठीक है, तुम भी ना सुलेखा। ले, कर दिया दरवाजा बंद, खुश? अब बताओ क्या बात है।
अंजू जो कह रही थी ना वो सही है। आज मैंने पूनम का दूसरा रूप देखा। दूसरा रूप पूनम का? पूनम में ना चुड़ैल का साया है, उसमें राधा की आत्मा है। वही जो पेड़ पे रहती है ना, वो उस दिन नेहा ने बताया कि वो दोनों जंगल में गए थे, तब से ये सब चल रहा है। उसने मुझे मारने की कोशिश की हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मतलब पूनम तुम्हें क्यों मारने की कोशिश करेगी? असगर से बोलते हो, राधा की आत्मा ने मुझे मारने की कोशिश की है। वो यही कहीं है, उसके साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, हम सबको मारेगी वो। अरे क्या हम सबको मार देगी? क्या बोलती हो तुम? और तुम्हें पता नहीं, ये सब बातों में विश्वास नहीं करता हूं। पर फिर मरा हुआ इंसान दोबारा कैसे दिख सकता है? तो ये गार्डन, ये जंगल, ये सारी अफवाह है। और मैं करो संग में सच बोल रही हूँ, मेरे यकीन कीजिए। मैं ये लीजिए मामी जी, ठंडा पानी पीजिए, आपको आराम मिलेगा। नहीं चाहिए पानी, ग्लास उठाओ यहाँ से। पानी वानी नहीं चाहिए मुझे। क्यों, क्या हुआ? ठंडा पानी तो है, आपकी दिमाग की गर्मी को कम रखेगा। लीजिए ना। पानी वानी नहीं पीना है मुझे, नहीं। ये सब तुम क्या कर रही हो? समझ में आता है तुम्हें कुछ? मुझे सब कुछ समझ में आता है मगर आपको कुछ नहीं समझ आएगा। जब देर होगी तब समझ आएगा। उसको बाहर निकालो। ठीक है, शांत हो जाओ। चलो बेटा बाहर चलते हैं, मुझे लगता है तुम्हारी मामी को वापस कोई दौरा पड़ा है। चलो बेटा। नहीं नहीं नहीं, आप मत जाओ, मैं आप यहीं रुको, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। ठीक है, मैं यहीं हूँ, शांत हो जाओ तुम। ठीक है बेटा, तुम जाओ, कुछ जरूरत होगी तो तुम्हें बुला देंगे। मामी की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, ठीक है, शांत हो जाओ। सुलेखा क्या हो गया है तुम्हें? बेचारी पूनम क्या सोचेगी, कैसे है मामा मम्मी उसके? नेहा, नेहा कहाँ हो तुम? हाय पूनम, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बताया था मेरे अजीत मामा के बारे में, जो भोपाल से आ रहे हैं, वो आ चुके हैं। अरे बेटा नेहा, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मामा जी, ये मेरी फ्रेंड है पूनम, सुलेखा काकी है ना, उनकी भांजी है जी। नमस्ते। नमस्ते, तुम हो पूनम? सच कहूं, जब से आया हूँ सिर्फ तुम्हारे बारे में सुन रहा हूँ। पूनम ऐसे खेलती है, पूनम ऐसे डिजाइन बनाती है, पूनम ऐसी दिखती है। दरअसल उसने मुझे पूरा पूनम चालीसा सुना दिया। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम पहली बार मिल रहे हैं। अच्छा एक काम करो, तुम लोग आपस में बात करो, जब तक मैं मोबाइल चार्ज करके आता हूँ। ठीक है मामा जी, तब तक मैं हम सबके लिए कोकम का शरबत बनाती हूँ, बहुत मजा आएगा। ठीक है, नहाती हूँ। अब तो बहुत मजा आएगा। सुलेखा, काहे गो? सुलेखा तुम्हें कुछ पता चला? काहे होइनी, काहे चला? अंजू की मौत हो गई है। काहे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ हाँ, आगो कल शाम को ही उसके साथ मेरी बात हो गई थी, तब तक वो ठीक थी, वो तो मेरे काम से गई थी। ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? मुझे तो कुछ समझ नहीं रहा। आगो वो मेरे काम से गई थी, जंगल में किसी तांत्रिक को बुलाने। तांत्रिक? हाँ। लेकिन क्यों? अगर पूनम बिटिया की नजर उतार लो, हाँ कोई कोई साया ना पड़ा हो।
राधा 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 वापस आ गई है।